नमस्कार, क्या आपको भी अच्छा खाना पीने के बाद भी एनर्जी महसूस नहीं होती है, मन उदास रहता है, मन किसी काम में नहीं लगता है, आप थके हुए महसूस करते हैं, आपको अपने शरीर में ऊर्जा का एहसास ही नहीं होता है, आप एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? कैसे आप खुद को एनर्जेटिक बना सकते हैं? आइए जानते हैं। बहुत अच्छा सवाल, क्योंकि आज के समय में बहुत कॉमन हिस्सा जा रहा है। हमको अपनी एनर्जी को कैसे बूस्ट करना है, ये जानना आज के समय के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ अच्छा खाना और जीविंग ही सब कुछ नहीं, बॉडी में वो किस तरह से यूज हो रहा है हमें उस पर भी सोचना है, उस पर भी हमें काम करना होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है, इतना सब कुछ अच्छा करते हुए भी नहीं हो रहा तो स्ट्रेस एक बड़ा कारण है। तो अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से जरूर मिलें, ये सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी है। जहाँ आपको जाके आराम मिलता है, जिससे बात करके आराम मिलता है, उनसे आप रेगुलर इनके संपर्क में रहें, एक चीज़ ये बहुत जरूरी। उसके बाद जो वर्क लोड होता है, तो सब काम खुद हमें करना ये नहीं करना, जो मल्टी टास्किंग की जो हैबिट है उसको हमें प्रायोरिटीज में बांटना है। उस तरह से हमें काम को करना है कि डिफरेंट काम को करना है, और अच्छा उस तरह से टीम वर्क के हिसाब से करना है। जब वो टीम वर्क के हिसाब से काम करने लगते हैं तो हमारे ब्रेन पे जो इतना प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, वहाँ लाइट फील करने लगते हैं। इसके बाद जो जरूरी होती है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज हमेशा जरूरी हो, लेकिन इस तरह के केसेस में ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो सांस की एक्सरसाइज भी है, जो अनुलोम विलोम कहते हैं, सूर्य नमस्कार कहते हैं, वो सबसे अच्छी है। इसके अलावा जो स्मोक करते हैं उनको कोशिश करनी चाहिए स्मोकिंग को अवॉइड करें, और सोना हमेशा बहुत अच्छा है, लेकिन इस तरह के केसेस में हमें सोना कम करना है। एक फिक्स आवर्स अपने लिए फिक्स कर लिए, उससे ज़्यादा हमें नहीं सोना है। ये नहीं कि हमें बार बार आलस आ रहा है, हम बार बार सो रहे हैं। आप ऑब्जर्व करेंगे, आप जितना आप बार बार सोएंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर आलस आएगा, आपके अंदर उतनी वीकनेस रहेगी, आप उतने ज़्यादा टायर्ड रहेंगे, आपकी एनर्जी उतनी कम होगी। तो मैक्सिमम आप तय कर लीजिए कि 7 घंटे से ज़्यादा नहीं सो, ये फिक्स होना चाहिए। दूसरा, बेवजह देर रात तक जगना नहीं है। घर के सारे काम कंप्लीट कर चुके, ऑफिस के काम खत्म कर चुके, अब आप बोल रहे हैं मुझे नींद नहीं आ रही इसलिए आप बैठ के मोबाइल टीवी फिल्म देख रहे हैं, नहीं, आपका एक सोने का फिक्स टाइम होना चाहिए। कभी कभार की बात अलग है, उस टाइम पे आपको सो जाना मोबाइल, इस पर बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद अल्कोहल का इंटेक ज़्यादा नहीं करना। अगर आपको आदमी अल्कोहल ले भी रहा तो उसका इंटेक सही है। खाना वो भी बहुत ज़रूरी है, बहुत हैवी ऑयली फूड नहीं खा के, न्यूट्रिशियस प्रोटीन वाला फूड लेना है, बहुत स्पाइसी फूड नहीं खाना। जितना लाइट डाइट लेंगे, जितना हल्का खाना लेंगे उतना आपके शरीर के लिए अच्छा है, और उसी तरह की डाइट आपको लेनी होगी। इस खास करके नाश्ते में हमेशा प्रोटीन लाइट डाइट, जैसे फोहा हो गया, चूड़ा हो गया, नैया हो गया, रोटी हो गई, इस तरह की चीज़ लीजिए, इडली ले लीजिए, उपमा ले लीजिए, इस तरह की डाइट आप लीजिए। जितना लाइट लेंगे डाइट उतना अच्छा होगा। बहुत ज़्यादा खाना, एपेटाइट से ज़्यादा खाना, भूख से ज़्यादा खाना, वो इस तरह केसेस में नुकसान करता है। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है पानी। पानी का इंटेक जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो बहुत आसान सी बात है, जब आप अपने आप को एनर्जेटिक नहीं फील कर रहे हैं, अपना थका थका सा महसूस कर रहे हैं, किसी काम में मन नहीं लग रहा, उदासी रह रही है, सब कुछ अच्छा होते हुए भी दुखी है, तो आप इन चीज़ों को फॉलो करें, इससे आपको काफ़ी आराम है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन। नमस्कार, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो फिर इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो फिर आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा।